ये फिल्म उन लोगों को समर्पित है जिन्हें दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के चलते सांप्रदायिक दंगों में अपनी जान गंवानी पड़ी। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के मुताबिक वर्ष 2011 से 2015 तक देश में 3,365 सांप्रदायिक दंगे हुए, मतलब हर रोज देश में दो जगह मजहब के नाम पर एक दूसरे का खून बहाया गया। 413 लोगों की हत्याएं कर दी गईं, 8,206 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इनमें से 85% घटनाएं देश के 8 राज्यों बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हुई है। क्या यह सीमाओं पर होने वाली जंग से कम खतरनाक है? इस समस्या के समाधान की तलाश बहुत जरूरी है। क्यों लड़ता है मूर्ख बंदे, ये तेरी खाम ख्याली है पेड़ की जड़ तो एक वही, हर मजहब एक एक डाली है, हर मजहब एक एक डाली है। दादरी का बिसहारा गांव। बिसहारा में 28 सितंबर 2015 की रात जो हुआ उसने न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार किया बल्कि देश को भी सवाल पूछती पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। उस रात इस गांव में मोहम्मद अखलाक नाम के एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। अखलाक पर आरोप था कि उसने गौ हत्या की है। इसके बाद दादरी और बिसहारा हिंदू मुस्लिमों के बीच संघर्ष का प्रतीक बन गए। इंटॉलरेंस का जुमला खूब उछाला गया। ऐसा माहौल बनाया गया मानो इस मुल्क में कानून का राज, आपसी भाईचारा और प्यार मोहब्बत सब खत्म हो गए हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि अखलाक हत्याकांड को राजनीतिक नफे नुकसान के लिए तूल दिया गया था। अगर हिंदू से हिंदू और मुसलमान से मुसलमान लड़े तो कोई बात नहीं, हिंदू और मुसलमान के बीच कहा सुनी भी हो जाए तो मुद्दा सांप्रदायिक बना दिया जाता है। जब एक गांव या एक ही मोहल्ले में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, प्यार भी तो आपस में करेंगे, तकरार भी उनके बीच होगी। अब तो अखलाक के परिवार की किसी को भी चिंता नहीं। हमारे इलाके की जिस तस्वीर को देख करके दुनिया अमन, भाईचारे, खुशहाली की प्रेरणा ले सकती है, उससे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। जहाँ हिंदू और मुसलमान जिस तरह मिलकर रहते हैं, यह भी तो आकर के देखिए, ग्रेटर नोएडा में एक गांव घोड़ी बछेड़ा है। घोड़ी बछेड़ा गांव में ज्यादातर हिंदू ठाकुर है। हमारे पड़ोसी जिले बुलंदशहर में तिल बेगमपुर गांव है, वह मुसलमान ठाकुरों का गांव है। घोड़ी बछेड़ा गांव के हिंदू तिल बेगमपुर गांव के मुसलमानों को बड़ा भाई मानते हैं। आप कह सकते हैं कि एक हिंदू गांव का बड़ा भाई मुस्लिम गांव है। इस खुशनुमा तस्वीर को कहीं से देखने के लिए हमें थोड़ा इतिहास जानना पड़ेगा। ये कहानी मुगल काल के शुरुआती दिनों में जैसलमेर शहर से शुरू होती है। जब वर्ष 1530 में मुगल बादशाह बाबर का दिल्ली में इंतकाल हुआ, लगभग उसी वक्त जैसलमेर में भाटी राजा रावल जैत सिंह की
मृत्यु हुई थी। रावल जैत सिंह भाटी के 9 पुत्र थे। उनके सबसे बड़े बेटे लूड़करड़ खानदानी झगड़े के कारण कंधार चले गए थे और वहां के सेनापति बन गए थे। रावल जैत सिंह की मृत्यु के बाद उनके दूसरे बेटे करम सिंह को राज्य की बागडोर दे दी गई, लेकिन करम सिंह के राजकाज संभालने के 15 दिनों बाद ही लूड़करड़ कंधार से वापस आ गए। महारावल जैत सिंह जी के मृत्यु के बाद में उनके छोटे पुत्र करण सिंह जी को गद्दी पर बिठा दिया गया, क्योंकि गद्दी खाली नहीं रहती है, ऐसी यहाँ की परंपरा थी। और उनके जो बड़े पुत्र थे लूड़करड़, वो जैसलमेर से बाहर थे। जब 15 दिन बाद जब वो वापस लौटे तो उन्होंने अपने भाई से कहा, भाई ये मेरा हक है और आप ये गद्दी छोड़ दो। तो उन्होंने अपने बड़े भाई के लिए गद्दी छोड़ दी और वो उत्तर की तरफ पलायन कर गए। उस दौर में राजपूताना के राजकुमारों में नई नई रियासतें स्थापित करने का प्रचलन था। उन लोगों ने गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई रियासतें कायम की थीं। बड़े भाई लूड़करड़ को शासन सौंपने के बाद करम सिंह ने 2 छोटे भाइयों राम सिंह और त्रिलोक सिंह के साथ मिलकर अलग राज्य बसाने की योजना बनाई। तीनों ने लूड़करड़ से बहाना बनाया कि वे गंगा स्नान के लिए जाना चाहते हैं। उस समय के रावल राजपूतों में एटा के सोरों में गंगा स्नान करने की परंपरा थी। ये लोग दिल्ली पहुंचे तो तत्कालीन मुगल बादशाह हुमायूं से मिले और अपना अलग राज बसाने की इच्छा उन्हें जाहिर की। हुमायूं ने उन्हें सहयोग करने का भरोसा दे दिया। यह घटना बाकायदा हुमायूं नामा में दर्ज है। रावल करम सिंह अपने भाइयों के साथ एटा की ओर बढ़े तो दिल्ली से करीब 45 किलोमीटर दूर एच्छड़गढ़ पहुंचे। यहां के लोगों ने उन्हें रोक लिया। यही जगह अब ग्रेटर नोएडा है। भीड़ ने रावल करम सिंह को बताया कि उनके राजा लूथ वर्मा और सेनापति वीर बहादुर सक्सेना का बड़ा आतंक है। लगान की दर बहुत ज्यादा है और बेरहमी से वसूल की जा रही है। हर साल आने वाली यमुना की बाढ़ के कारण किसान लगान नहीं दे पा रहे हैं। हमें उनसे मुक्ति दिलाइए। राज्य बसाने की योजना पर निकले रावल करम सिंह को ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर लगा। उन्होंने लूथ वर्मा के पास प्रस्ताव भेजा कि वो जनता पर अत्याचार ना करें। लूथ वर्मा ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। दोनों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध का परिणाम बेहद दुखदायी रहा। लूथ वर्मा तो मारा गया लेकिन रावल करम सिंह और उनके भाई राम सिंह की भी मौत हो गई। इस तरह एछरगढ़ रियासत का प्रशासन उनके छोटे भाई त्रिलोक सिंह के हाथों में आ गया। करीब 15 वर्षों तक त्रिलोक सिंह ने एछरगढ़ रियासत पर शासन किया। सन 1545 में त्रिलोक सिंह की मृत्यु हो गई। त्रिलोक सिंह के बाद उनके पुत्र राव कौशल ने शासन संभाला। राव कौशल बेहद प्रतापी और शक्तिशाली शासक के रूप में उभरे। उन्होंने सबसे पहले यहाँ खंडहर पड़े केलागढ़ के किले का जीर्णोद्धार किया। वह एच्छरगढ़ छोड़कर केलागढ़ के किले में आ गए थे। आगे चलकर केलागढ़ का नाम कासना हो गया। कासना फिलहाल ग्रेटर नोएडा शहर में एक कस्बा है। यहाँ अभी भी किले के अवशेष मौजूद हैं। राव कौशल के बाद करीब 170 वर्षों तक सब कुछ सामान्य रहा। तब तक कासना के पड़ोस में घोड़ी बछेड़ा गांव बस चुका था। सन 1713 में दिल्ली की सत्ता मुगल बादशाह फर्रुखशियर के हाथों में आ गई थी। उन दिनों घोड़ी बछेड़ा में रावल संपूर्ण सिंह जमींदार थे। तभी एक बड़ी घटना घटित हुई। किसी वजह से रावल संपूर्ण सिंह पर फर्रुखशियर क्रोधित हो गए। उनकी सेना ने कासना और घोड़ी बछेड़ा को तहस नहस कर दिया। हालात बहुत ज्यादा बिगड़े तो रावल संपूर्ण सिंह ने फर्रुखशियर के पास माफीनामा भेजा। माफी की एवज में फर्रुखशियर ने संपूर्ण सिंह के सामने इस्लाम कबूल करने की शर्त रख दी। इस बुरे समय में संपूर्ण सिंह के बड़े बेटे फतेह सिंह आगे आए और फर्रुखशियर की शर्त मानते हुए इस्लाम कबूल कर लिया।
उन्होंने मुगल शासक से अपने चार भाइयों के लिए माफी भी हासिल कर ली थी। उनके चार भाइयों को धर्म परिवर्तन नहीं करना पड़ा था। यह घटना ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण साबित हुई और आगे चलकर फतेह सिंह की संतानों के रूप में मुसलमान भाटी ठाकुरों का जन्म हुआ। आज की तारीख में गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर जिलों के 365 गांवों में भाटी गोत्र वाले हिंदू और मुसलमान हैं। यह इलाका भटनेर के नाम से प्रसिद्ध है। आज जब हिंदू और मुसलमान के नाम पर इस देश में दंगे और राजनीति हो रही है, वहीं इन गांवों के बीच भाईचारे की शानदार मिसाल कायम है। मेरा गांव तिलबेगमपुर हमारे पूर्वजों के सबसे बड़े भाई ने बसाया था, इसी कारण पूरी भटनेर हमें बड़ा भाई मानती है। हर सामाजिक मुद्दों पर मिलकर रस्म रिवाज पूरे करते हैं। हमारा खून एक है, हमारे पूर्वज एक हैं। सीधे तौर पर कहूं तो हम एक पिता की औलाद हैं। आज मेरे छोटे बेटे नफीस की शादी का रिसेप्शन है। घोड़ी, बछेड़ा, लोहाली, चीती, डेवटा और जोगाबाद आदि गांवों से मेरे सारे हिंदू भाई मेरे खुशी में शरीक होने आए हैं। ये रिवायत हम बुजुर्गों तक ही सीमित नहीं है, हमने अपनी औलादों को भी इस परंपरा से वाकिफ करवाया है। उन्हें ये बताया है कि हम भले ही हिंदू और मुसलमान हैं, लेकिन हम सगे भाई हैं। इसी तरह 300 वर्षों से एक हमारी एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को भाईचारे का पैगाम सौंपती है। मुझे बेहद खुशी होती है कि मैं अपने आप को इस बड़े भाई के गांव का हिस्सा मानता हूं, और जब भी मैं घोड़ी बछेड़ा जाता हूं, मुझे वाकई में अपनों का एहसास होता है। देखकर खुशी होती है कि हाँ, आज भी ऐसे लोग हैं जो इन रीति रिवाजों को फॉलो कर रहे हैं। मेरे गांव घोड़ी बछेड़ा में किसी युवक की शादी होती है तो रिश्ता तय करने के लिए तिल बेगमपुर गांव का कोई मुसलमान बुजुर्ग लड़की वालों से शगुन लेता है। परिवार के बुजुर्ग मृत्यु होने पर उसके सबसे बड़े बेटे को पगड़ी बांधी जाती है। यह एक तरह से पिता का उत्तराधिकार पुत्र को सौंपने की परंपरा है। हमारे गांव में तिल बेगमपुर गांव के बुजुर्ग लोग यह रस्म अदा करते हैं। जनाब शमसुद्दीन प्रधान जी का आज इंतकाल हुआ है, इस मौके पर घोड़ी के लोग यहाँ आए हुए हैं। घोड़ी और तिल एक ही दादा की औलाद हैं। धर्म जरूर अलग अलग हैं, लेकिन मान्यताएं एक हैं। दूसरे लोग जो आपस में भाईचारे को ख़त्म करने का काम करते हैं, अगर उन्हें जिंदी मिसाल देखनी है तो तिल में आकर देखें, घोड़ी में आकर देखें। पूरा हिंदुस्तान एक दादा की औलाद है, यानी कि हम इस्लाम मजहब के मानने वाले ज़रूर हैं, लेकिन संस्कृति हमारी अब आज भी वही सदियों पुरानी है, वही भारतीय संस्कृति है। भटनेर के गांवों में आपसी भाईचारे की कई मिसालें कायम हैं। यहाँ पर जब भी कोई बड़ा विवाद हो जाता है और फैसला लेना मुश्किल हो जाता है तो यहाँ पर तिल बेगमपुर के बुजुर्गों को बुलाया जाता है। बड़ी बात यह है कि तिल बेगमपुर वाले बुजुर्गों द्वारा दिया गया फैसला दोनों पक्षों को मान्य होता है। भारत में मुगल काल से लेकर अंग्रेजों के समय और आजादी से लेकर अब तक कई ऐतिहासिक घटनाएं भाटी हिंदू और मुसलमानों के बीच भाईचारे की वजह बनी है। सबसे पहले 1857 का गदर इनकी एकता का गवाह बना। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों से लड़ने के लिए भाटी हिंदू और मुसलमान
एकजुट हुए, मुल्क को आजाद करवाने के लिए मिलकर खून बहाया। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए पीर बख्श खान भाटी ने अपने गांव तिल बेगमपुर में पंचायत बुलाई थी। पीर बख्श खान को भाटी हिंदू अपना बड़ा भाई मानते थे। पंचायत में 30,000 लोग शामिल हुए और पीर बख्श खान ने दादरी रियासत के गुर्जर शासक राव उमराव सिंह को गदर की कमान सौंपी थी। उस पंचायत में सर्वसम्मति से राव उमराव सिंह को गदर का नेता चुना गया। राव उमराव सिंह के नेतृत्व में भटनेर के गुर्जर ठाकुर और मुसलमान क्रांतिकारियों ने दादरी में इकट्ठा होकर दादरी से बुलंदशहर तक के सरकारी दफ्तरों को तहस नहस कर दिया। सिकंदराबाद के तहसील थाने और डाकघरों में आग लगा दी। सरकारी खजाना लूट लिया, हथियार लूट लिए, बुलंदशहर की जेल तोड़ दी और दादरी से बुलंदशहर तक जीटी रोड पर कब्जा कर लिया। राव उमराव सिंह ने स्वयं को भटनेर का राजा घोषित कर दिया। इस पूरे इलाके में विद्रोह को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल ग्रिथार्ट को भेजा गया। ग्रिथार्ट के नेतृत्व वाली अंग्रेज पलटन क्रांतिकारियों का 20 सितंबर 1857 को दादरी, सिकंदराबाद और बुलंदशहर में 2 दिन तक संघर्ष हुआ। अंग्रेजी सेना के समक्ष क्रांतिकारी नहीं टिक पाए, अधिकतर क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। राव उमराव सिंह भूमिगत हो गए और यहां से भागकर वे तांता टोपे नानाजी और रानी लक्ष्मीबाई के पास पहुंचे। वहां से कानपुर लौटते वक्त कानपुर में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर राव उमराव सिंह को उनके साथियों गौहर खां, मेहताब खां, तहवर अली खां, झंडू सिंह नंबरदार, मंगनी सिंह जमादार, मजलिस जमींदार, जयमल सिंह, फत्ते सिंह, सुरजीत सिंह और दर्याव सिंह के साथ काला आम बुलंदशहर पर फांसी दी गई। देश को आजादी मिली तो भारत के दुखदायी बंटवारे से पाकिस्तान का जन्म हुआ। पूरा देश सांप्रदायिक दंगों की आग में जल रहा था। एक बार फिर भटनेर की अग्नि परीक्षा का समय आया। बंटवारे के वक्त पूरे देश से मुसलमान पाकिस्तान गए थे। भटनेर से कुछ मुसलमान भी पाकिस्तान जाना चाहते थे लेकिन हिंदुओं ने उन्हें आगे बढ़कर रोक लिया, जिसका असर ये हुआ कि भटनेर छोड़कर एक भी मुसलमान परिवार पाकिस्तान नहीं गया था। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस वक्त मुस्लिम भाइयों में एक असुरक्षा की भावना थी और उन्होंने हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जाना ज़्यादा हितकर समझा। लेकिन इस क्षेत्र में हमारे बुजुर्गों ने उन मुस्लिम भाइयों के बीच में जाकर उनमें विश्वास व्यक्त किया और उनसे कहा कि हम आपकी हिफाजत का जिम्मा लेते हैं और आपके दुखों का जिम्मा लेते हैं, लेकिन आपके पाकिस्तान जाने से एक कलंक हमारे ऊपर लग जाएगा। राजपूतों की इस बात से आश्वस्त होकर वो मुस्लिम भाई यहीं रुक गए और आज भी प्रत्येक सुख दुख में हम उनके बीच में खड़े नज़र आते हैं। विगत दिनों में एक गाँव है हमारा खेरली भाव गाँव, जहाँ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में एक मस्जिद की आधारशिला को रखा गया, तो पूरे हिंदुस्तान में बिरले ही ऐसी मिसाल नजर आती हैं जहां इतने प्यार से हिंदू और मुस्लिम साथ साथ रहते हों। अब देश आजाद है, लड़ाई का मतलब बदल गया है। अब हकों की लड़ाई तीर तलवार और बंदूकों से नहीं, चुनाव लड़कर जीती जाती है। इस मोर्चे पर भी इन लोगों की एकता ने कामयाबी हासिल की है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में हिंदू और मुसलमान वोटर बटे नजर आए, लेकिन भाटी हिंदू और मुसलमान एकजुट रहे। परिणाम स्वरूप आजादी के बाद पहली बार यहां की जेवर विधानसभा सीट से कोई भाटी ठाकुर उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचा है। इन लोगों ने हिंदू और मुसलमान के नाम पर बटने की बजाय एक होकर वोटिंग की। मैं जनपद गौतम बुद्ध नगर की जेवर विधानसभा से भाजपा विधायक चुना गया हूँ और मेरी इस जीत में मुस्लिम वोटरों का बहुत बड़ा योगदान है। तकरीबन 10,000 से 12,000 मुस्लिम वोट मुझे विभिन्न बूथों पर मिला है। धीरेंद्र सिंह जी हमारे भाई हैं, हमारा खून का रिश्ता है। जैसा भाटी वो हैं, जैसा भाटी हम हैं, हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो इंसानियत के नाते हमने उनको वोट दिया, अपने भाई को वोट दिया, न कि बीजेपी को वोट दिया। एक ही परिवार के लोग
इसलिए हमने किसी पार्टी को देख करके नहीं वोट दिया, अपने भाई को देख करके वोट डाला और इस उम्मीद में डाला कि हमारा भाई सच्चा उतरेगा न्याय दिलाने में। और हम न्याय के ही भूखे हैं, गलत काम के भूखे बिल्कुल नहीं हैं, गलत काम बिल्कुल नहीं चाहते। सदियों से हमारी संस्कृति की विशेषता बहुलतावादी रही है, साझापन हमारे ऐतिहासिक तथ्य हैं और सामूहिकता हमारे जीवन पद्धति का प्राण तत्व है। घोड़ी बछेड़ा और तिलबेगमपुर का ऐतिहासिक रिश्ता इसका एक जीवंत दस्तावेज है जो एक सकारात्मक संदेश देता है कि इस देश की मिट्टी में एकता रची बसी है। गंगा जमुनी तहजीब हमारी जीवन पद्धति का राष्ट्रीय हिस्सा है और कोई भी ताकतें आएं, कोई भी झंझावात आएं, कोई भी तूफान आएं, कोई भी विभाजनकारी प्रवृत्तियां हावी होने की कोशिश करें, लेकिन हम सभी लोग एकजुट होकर एक साझा संस्कृति को जीने के लिए प्रतिबद्ध हैं, एक थे, एक हैं, एक रहेंगे और उपनिषदों के उस वाक्य को सार्थक करेंगे, समवदद्धं संरक्षद्धं सम्मो मनांसि।